ऑर्टन ने लिया ड्रू मैकइंटायर से अपना बदला, मुस्तफा अली निकले हैं रेट्रीब्यूशन के असली लीडर और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी मजेदार रही। आज की रॉ की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी है दोस्तों, वो देखिए रैंडी ऑर्टन के प्रोमो के द्वारा। तो रैंडी ऑर्टन दोस्तों एक बंद कमरे में एक प्रोमो काटे हैं। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों मेंशन करते हैं उन लेजेंड्स को जिनकी उन्होंने बीते हफ्ते पिटाई की थी। ये चीज बताते हैं कि उन लेजेंड्स ने उन्हें क्लैश ऑफ चैंपियंस में स्क्रू किया था और इसी का बदला उन्होंने लिया है। इसके बाद वो बता दें कि इस तरीके से उन्होंने इन लेजेंड्स की धुलाई की, जिसके बाद दोस्तों मेंशन करते हैं ड्रू मैकइंटायर को। ये चीज़ कहते हैं ड्रू मैकइंटायर, देख अगर तुझे अपनी लेगेसी को सीमेंटेड करना है तो मुझे क्लैश ऑफ चैंपियंस की बजाय अब हेल इन अ सेल के अंदर फेस कर। एक तरीके का चैलेंज था जिसे दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने भली भांति वहीं के वहीं एक्सेप्ट किया। दरवाजा खुला, ड्रू मैकइंटायर दोस्तों निकले और उन्होंने उस बंद कमरे में कर दी रैंडी ऑर्टन की पिटाई। पिटाई ज़्यादा हो पाती कि गाइस वहाँ ऑफिशियल्स आ जाते हैं जो कि दोनों को स्प्लिट कर डालते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिला, वो एक सेगमेंट नहीं बल्कि एक मैच था जो कि था महिलाओं का। तो सिक्स वुमेन टैग टीम हमें सबसे पहला मैच देखने को मिला आज रॉ का, जहाँ दोस्तों एक तरफ टीम थी आस्का, मैंडी रोज एंड डेना ब्रुक की, वहीं उनके खिलाफ जो दूसरी टीम थी वो थी जेलिना वेगा, नटालिया एंड लाना की। मैच की बात करूँ, मैच दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक था। इसका रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया कि मैंडी रोज ने नी स्ट्राइक लगाई वहाँ लाना की और लाना की हो गई पिन। मैच के बाद होता क्या है कि गाइस वहाँ से सारे रेसलर्स निकल जाते हैं, सिर्फ लाना और नटालिया देरी करती है कि गाइस एंट्री हो जाती है नाया जैक्सन शेना बिजलर की। दोनों दोस्तों वहाँ आई और इन दोनों की उन्होंने पिटाई कर दी, जहाँ दोस्तों एंगल देखने को मिला कि थर्ड इन रो दोस्तों लाना को लगा है वहाँ समोन ड्रॉप, जो कि लगा दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर। नाया जैक्स फिर से उन पर हाथ साफ करके निकल गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैकस्टेज आर्थुत का सेगमेंट। तो बैकस्टेज दोस्तों आर्थुत की पिन कर दी ड्रू गोलक ने, जो कि रैंडी ऑर्टन के भेष में आ रखे थे। रैंडी ऑर्टन के जैसे दोस्तों उन्होंने स्वीपर वाले कपड़े पहने हुए थे और इस पर दोस्तों आर्थुत काफ़ी भौचक्के रह गए और ड्रू गोलक ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन वहां से बनकर निकल गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज रिकोशे अपोलो एंड मुस्तफ़ा अली को ऑफर। तो हुआ क्या कि MVP आ गए, MVP ने दोस्तों उन तीनों के सामने एक ऑफर रखा। ऑफर ये था कि आज तुम में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है हर्ड बिजनेस को, जिस पर दोस्तों दो तो निकल जाते हैं, सिर्फ रिकोशे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज वहाँ नज़र आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सेथ रॉलिंस एंड बरी मर्फी की रिंग में एंट्री। तो दोनों दोस्तों रिंग के अंदर आ गए, जहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस माफ़ी मंगवाना चाहते थे मर्फी से, मर्फी ने उल्टा कह दिया कि भाई मुझे तो तुझसे माफ़ी चाहिए और मुझे नहीं आलिया को चाहिए, आलिया से तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस पर दोस्तों सेथ कहते हैं कि तू पागल हो चुका है, भला मैं उससे माफ़ी क्यों मांगू, तू भूल चुका है क्या हमारा हाल किया है मिस्ट्री ऑफ फैमिली ने। जिस पर दोस्तों वहाँ मिस्ट्री ऑफ फैमिली की एंट्री हो जाती है, यानी कि अपने मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो और दोस्तों हम्बर्टो कोरियो की एंट्री हो गई और फिर हमें देखने को मिला इन दोनों टीम्स के मध्य एक टैग टीम मैच। इस मैच की बात करूँ दोस्तों, मैच काफ़ी बढ़िया था और इसका रिजल्ट इस तरीके से आया कि बड़ी मर्फी ने कूद लगाते हुए हम्बर्टो को नी लगा दी, यानी कि नी स्ट्राइक लगा दी और उनकी होगी वहाँ पिन और यहाँ दोस्तों बड़ी मर्फी ने मैच को जितवा दिया। इसके बाद दोस्तों हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एडम पियर्स से मैच मांगा, जिसके बाद दोस्तों वहाँ कीथली आ जाते हैं, कीथली उन्हें ब्रॉन के खिलाफ साइन अप कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें बैकस्टेज फिर से दिखाई देते हैं सेथ एंड मर्फी, जहाँ दोस्तों सेथ मर्फी को बताते हैं कि आज तेरे पास 10 बजे का समय है, तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी ही होगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था केविन ओवंस शो। तो केविन ओवंस शो पर दोस्तों इस बारी हमें कोई भी गेस्ट आता हुआ नज़र नहीं आया। हुआ क्या कि गाइस सबसे पहले केविन ओवंस ये चीज़ बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ फील किया स्मैकडाउन में, जब वो फील्ड के करीब आए वो बोले कि फील्ड वाकई में लोगों को चेंज करता है, मैंने खुद उसके साथ रिंग शेयर की, मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसके बाद दोस्तों कॉल आउट करते हैं ब्रे वाइट को, ब्रे वाइट रिंग में ना आकर दोस्तों हमें दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर। बिग स्क्रीन के ऊपर से दोस्तों सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स भेजते हैं केविन ओवंस को, उन्हें अपना दोस्त बताते हैं। केविन ओवंस कहते हैं कि तू मेरा दोस्त नहीं है, जिस पर दोस्तों ब्रे वाइट ये चीज़ बताते हैं कि वो नहीं जानते कि क्या कुछ चल रहा है फिंड और अलेक्सा के बीच में। इसके बाद दोस्तों में थिंग देखने को मिलती है केविन ओवंस वहाँ ब्रे वाइट से कन्फ्रंट करने निकलते हैं कि गाइस रैंप के ऊपर उन पर हो जाता है हमला। पीछे से दोस्तों अलस्टर ब्लैक ने उन्हें धो डाला और अपना फिनिशर भी लगाया, दैट मीन्स दोस्तों केविन ओवंस अभी दो राइवलरीज में है। बात की जाए दोस्तों केविन ओवंस की पिटाई के बाद क्या उसे देखने को मिला,
वह इसके बाद जो अगला मैच था वो काफी ह्यूज था क्योंकि ये दो बड़े ह्यूज सुपरस्टार्स के मध्य था, यानी कि दोस्तों कीथली बनाम ब्रॉन स्ट्रोमैन। इस मैच की बात करूं, मैच कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला। हुआ क्या कि दोनों लड़ते लड़ते बाहर निकल गए और लड़ते लड़ते दोस्तों रेफरी ने 10 गिन लिए, दोनों रिंग के अंदर नहीं आ पाते, डबल काउंट आउट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन को गुस्सा आ जाता है, वो दोस्तों बैरिकेड के ऊपर फोड़ डालते हैं वहाँ कीथली को। कीथली दोस्तों बेसुध पड़े हुए थे, लगा था कि वहाँ से ब्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन कीथली उठ खड़े हुए, ब्रॉन बोले भाई ऐसे कैसे। उसके बाद दोस्तों कीथली से भिड़ने लगे, दोनों चले गए रैंप के ऊपर जहाँ दोस्तों कीथली ने वहाँ स्क्रीन के ऊपर दे मारा है ब्रॉन को, और उसके बाद दोस्तों ब्रॉन को एक टाइप का स्पीयर भी लगाया जो कि दोस्तों रैंप के ऊपर से नीचे की ओर लगाए, और दोनों दोस्तों वहाँ मूर्छित हो गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन और कीथली ने मजे लगा दिए इस सेगमेंट के अंदर, और इससे साफ होता है कि इनकी राइवलरी भी शुरू हो चुकी है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हमें बैकस्टेज फिर से आर्थर जो है टाइटल रिगेन करते हुए नजर आया। बैकस्टेज होता क्या है कि गाइस आर्थर तो जावा ड्रू गुल कूड़ेदान में लड़ते हुए नजर आते हैं, जहां दोस्तों आर्थर पिन करके निकल जाते हैं और बन जाते हैं फिर से 24/7 चैंपियन। अब सवाल यह है कि आर्थर कितनी बारी चैंपियन बन चुके, तो कोई महानुभाव हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। लीजिए इसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद हमें रिकोशे आते हुए नजर आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां दोस्तों हर्ट बिजनेस को ये चीज बताते हैं वो कि वो ज्वाइन नहीं करने वाले उनकी गैंग को। जिसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है रिकोशे एंड अपोलो बनाम दोस्तों लैशली एंड शेल्टन बेंजामिन के मध्य, जिसके अंदर दोस्तों लैशली अपनी टीम को विजय दिलवा देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था फिर से दोस्तों सेथ रॉलिंग्स के डिसाइपल यानी कि बड़ी मर्फी का सेगमेंट। तो बड़ी मर्फी दोस्तों हमें दिखाई दिए बैकस्टेज आलिया के साथ, जहां आलिया से सॉरी मांगते हैं, उल्टा दोस्तों आलिया ये चीज़ कहती है कि सेथ रॉलिंस से उन्हें बचकर रहना चाहिए, वो काफ़ी ख़राब व्यक्ति है, जिस पर दोस्तों वो उन्हें माफ़ी मांगने को भी कहती है सेथ से, लेकिन बड़ी मर्फी कुछ सोचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों सेथ रॉलिंस का रिंग में कॉल्ड आउट करना मर्फी को। तो सेथ रॉलिंस आ चुके हैं, 10 बज चुके हैं, वहाँ दोस्तों जो सेथ है वो चीज़ कहते हैं कि मर्फी रिंग के अंदर आए, मर्फी आता है और फिर वो कहते हैं कि सॉरी मांग। इस पर दोस्तों बड़ी मर्फी सॉरी नहीं मांगते कि गाइस गिरेबान पकड़ लेते हैं सेथ उनका, जिस पर मर्फी को आ जाता गुस्सा, वो हमला बोल देते हैं सेथ के ऊपर। लड़ते लड़ते दोनों गुरु चेला रिंग के बाहर चले जाते हैं, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि गाइस बड़ी मर्फी ने कैंडोस्टिक पकड़ ली और सेथ की जो धुलाई की आज उन्होंने वो आप मुझसे पूछे ना। सेथ बेचारे रिंग के अंदर माफ़ी मांगने लग जाते हैं, जिस पर मर्फी कहते हैं कि मुझसे नहीं आलिया से मांग, वो आलिया से दोस्तों माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद होता गया है कि गाइस सेथ रॉलिंस अपने असली रंग दिखा देते हैं, वहाँ चीप अटैक कर डालते हैं। इसके बाद दोस्तों वो कैंडोस्टिक ले लेते हैं और मर्फी की पिटाई करने लग जाते हैं। उसके बाद रिंग से बाहर जाते हैं, चेयर जैसे ही वो लेकर आए आलिया की दोस्तों एंट्री होगी, आलिया आगे जाकर बैठ गई दोस्तों वहाँ मर्फी के, जिस पर सेथ नहीं मार पाए। उसके बाद दोस्तों एंट्री हो जाती है मिस्ट्री ऑफ फैमिली की, सेथ वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इस पर दोस्तों डोमिनिक अपनी बहन को यानी आलिया को पूछते हैं कि तू पागल हो चुकी है, तू क्या कर रही है उसके लिए, और इस तरीके से मेलो ड्रामा हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ दोस्तों जो बड़ी मर्फी लगभग पटा चुके हैं आलिया को, बात की जाए इसके बाद देखने को क्या कुछ मिला है। तो गाइस इसके बाद हमें टैग टाइटल्स का मैच देखने को मिला, महिलाओं के टैग टाइटल्स दाव के ऊपर थे, जहां एक तरफ टीम थी आपकी नाया एंड शीना बेजलर की, उनके खिलाफ थी रूबी राइट एंड उनकी फ्रेंड यानी कि दोस्तों हमारी लिव मॉर्गन। मैच के रिजल्ट की बात करूँ तो गाइस मैच का रिजल्ट इस तरीके से आया कि शीना बेजलर ने चॉकआउट कर दिया है रूबी राइट को, और यहाँ दोस्तों ये दोनों रिटेन कर गई। बात की जाए दोस्तों अब सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस आज का सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो था वो काफ़ी धांसू था, वो था दोस्तों मुस्तफ़ा अली बनाम एमवीपी। तो इनका मैच रखा गया था, मैच हुआ दोस्तों जहां एमवीपी की जब पिटाई होने लगी तो बाकी के रेसलर्स को भी रिंग के अंदर बुला देते हैं, वहां दोस्तों अली अकेले थे कि गाइस बतिया हो गई गोल, रेट्रीब्यूशन की हो गई एंट्री। अली दोस्तों नाटक किए कि वो सबसे पहले हर्ट बिजनेस के साथ हो चुके हैं, उसके बाद बाहर निकले और रेट्रीब्यूशन के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं उनके साथ जाकर खड़े हो गए। इसके बाद दोस्तों हमला हो गया हर्ट बिजनेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा पिटाई की वहाँ रेट्रीब्यूशन ने उनकी, जहाँ दोस्तों हमें एंगल भी देखने को मिला कि लैशली को स्टील स्टेप्स के ऊपर फोड़ा गया है। और उसके बाद दोस्तों जो कुछ रिंग के अंदर देखा मैंने उससे दोस्तों मैं बिल्कुल चौंक गया, मुस्तफ़ा अली दोस्तों इन सारे के सारे मेंबर्स के आगे जाकर खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने अपना जो टॉन्ट था वहां दोस्तों किया। दैट मींस दोस्तों मुस्तफ़ा अली लीडर है रेट्रीब्यूशन के, और हैकर वाली स्टोरी लाइन और रेट्रीब्यूशन वाली स्टोरी लाइन यहां जुड़ चुकी है। हैकर भी दोस्तों अली थे और अली ने उस वक्त कहा था कि वो बदला लेंगे, वो दोस्तों इंसाफ दिलाएंगे, और यहाँ दोस्तों इंसाफ अब चालू हो चुका है। तो काफ़ी ह्यूज सेगमेंट था, बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला। तो गाइस इसके बाद हमने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, तो गाइस वो था ड्रू मैकइंटायर
स्टेट प्रॉफिट्स बनाम आपके रैंडी ऑर्टन डॉल्फ एंड रूड के मध्य एक सिक्स मैन टैग टीम मैच। इस मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया था। रिजल्ट इस तरीके से आया कि गाइस वहां ड्रू मैकइंटायर ने तबाही मचा रखी थी, उन्होंने क्लेमोर लगा रखी थी डॉल्फ को, जैसे उन्होंने रूड को लगाई उन्हें लग गया आरके आउट ऑफ नोवेयर और उनकी हो गई है पिन। तो यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने अपनी टीम को मैच जितवा दिया और आज ड्रू को हारना पड़ गया। कुल मिलाकर दोस्तों आज की रॉ में काफी ज्यादा मजा आया। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।